आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 26 जुलाई की टॉप न्यूज। तेलंगाना में आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद बारिश। तेलंगाना के कई अजला में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है और हैदराबाद व सिकंदराबाद में सुबह से मुसलसल हल्की और तेज बारिश हो रही है। मुसलसल बारिश और बूंदाबांदी से आम जिंदगी मफलूज हो गई है। करीमनगर, वारंगल, सरसिला, विकाराबाद, मेदक, महबूबाबाद के अलावा दीगर इलाकों में मुसलसल बारिश के सबब कई जखायरे आब, तालाब और डैम लबरेज हो चुके हैं और करीमनगर में एक मकान पर बिजली गिरने का वाकया भी पेश आया है, जिसके नतीजे में मकान मुनहदम हो गया। वारंगल में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1868 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिला जयशंकर भोपालपल्ली में बारिश का पानी नशेबी इलाकों के मकानात में दाखिल होने लगा है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक 26 जुलाई की सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक बहुत ज्यादा भारी बारिश का इम्कान है। वहीं हैदराबाद में 6-8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। दोनों शहरों में आइंदा 48 घंटों के दौरान मौसलाधार बारिश की पेशकियासी की गई है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत को मौसम बारा के आगाज से कबल ही वाकिफ करवाया जा चुका है, लेकिन रियासती हुकूमत की जानिब से इन तबाह हाल सड़कों की मरम्मत के इकदाम ना किए जाने के नतीजे में ये सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह और नाकाबिल इस्तेमाल हो चुकी है। संगरेड्डी, नलगुंडा, हैदराबाद के अलावा कई शाहराहों पर सड़कों की तबाही के नतीजे में रास्तों की मसदूद होने के खदशात जाहिर किए जाने लगे हैं। रियासती हुकूमत के पास सरमाया ना होने के नतीजे में इन सड़कों की कबलज वक्त मजम्मत नहीं की गई, जो कि अब राहगीरों के लिए इंतहाई तकलीफ का बायस बनी हुई है। चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में बीआरएस हुकूमत की तरफ से किए जा रहे तरक्याती कामों की बिलवास्ता सताइश करते हुए तेलुगु देशम पार्टी के सदर और एपी के साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासती हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से तेलंगाना तमाम शोबों में तरक्की दिखा रहा है, जबकि वाईएस जगनमोहन रेड्डी की क़यादत में आंध्र प्रदेश हर मैदान में पीछे है। मंगलागिरी में पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए नायडू ने कहा कि जहां भी रियासत की तरक्की होगी, जमीन की कीमत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। अगर आपाशी के लिए पानी दस्तियाब हो जाए तो रुकबे के साथ साथ जमीन की कीमत भी बढ़ जाएगी। अगर सनती और सड़कें आएंगी तो कीमत बढ़ेगी। एक वक्त था जब आंध्र प्रदेश में किसान एक एकड़ जमीन बेचता है तो वो हैदराबाद में 4-5 एकड़ खरीद सकता था। अब सूरत हाल उसके बरअक्स हो गई है और अगर अब हैदराबाद में एक एकड़ बेचा जाए तो आंध्र प्रदेश में 100 एकड़ खरीद सकते हैं। तेलंगाना में होने वाली तरक्की का आंध्र प्रदेश से मुवाजना करते हुए नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुकाबले तेलंगाना में काफी तरक्की हुई है और उसी वजह से जमीनों की कीमत में इजाफा हुआ है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसी हुकूमत की तरफ से अपनाई गई किसान मुखालिफ पॉलिसियों की वजह से जमीन की कीमत में जबरदस्त गिरावट आई है। शहर के मंजर नाम को खूबसूरत बनाने की कोशिश में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बीआर अंबेडकर सेक्रेटरीट की तरफ जाने वाली सड़क के साथ लटकते फूलों के गमले नस्ब कर रहे हैं। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने नए लगाए गए प्लांट्स की तस्वीर ट्वीट की है। फिलहाल टैंक बंद इंदिरा गांधी एक्स रोड, PVNR मुजस्मा सर्कल से लेकर बीआर अंबेडकर सेक्रेटरीट तक भांसी के फूलों के गमले लगाए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी PVNR मुजस्मा सर्कल से लेकर बीआर अंबेडकर के सेक्ट स्ट्रेच तक टैंक बंद और सड़क पर लटकते हुए फूलों के गमले लगाए जा रहे हैं। हम इससे बहुत मुतासिर हुए हैं, जो ज्यादातर यूरोपीय शहरों में पहले से मौजूद है। फितरत के तहफ्फुज़ और शेरों की शानदार नस्लों के तहफ्फुज़ के बारे में बेदारी पैदा करने की कोशिश में नेहरू जूलॉजिकल पार्क ने रियासती हुकूमत और तेलंगाना स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बिलतरतीब 28 और 29 जुलाई को यौम फितरत और बैन अल-अक़वामी टाइगर डे मनाया जा रहा है। दो रोजा इवेंट में ज़ायरीन को तालीमी और दिलचस्प सरगर्मियों के सिलसिले में शामिल करने का वादा किया गया है। नेचर कंजर्वेशन डे पर
पर नेहरू जूलॉजिकल पार्क यानी जू में हर उम्र के लोगों को तहफ्फुज की कोशिशों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तरगीब देने के लिए कई तकरीबात का एहतमाम किया गया है। दिन का आगाज फितरत के तहफ्फुज के क्विज से होगा, जो शुरका को जंगली हयात, रिहायश गाहों और पायदार तरीकों के बारे में सवालात के साथ चैलेंज करेगा। क्विज के बाद ड्राइंग और तकरीरी मुकाबले होंगे। मजीद दस्तकारी बनाने यानी क्राफ्ट मेकिंग सेशन का भी इनाकत किया जाएगा। इवेंट का दूसरा दिन भी इंटरनेशनल टाइगर डे, खतरे से दो चार शेरों की नस्लों और उनके तहफ्फुज की जरूरत के बारे में शऊर उजागर करने के लिए वक्फ होगा। मानसून दूसरों को छुपने के लिए भाग दौड़ कर बेच सकता है, लेकिन हैदराबाद की हलचल वाली गलियों में ये एक अलग कहानी है। इस तारीखी शहर का मुतहरिक स्ट्रीट फूड कल्चर बरसात के मौसम में परवान चढ़ता है, जिससे एक पुरजोश पकवान की तलाश होती है जो मुकामी लोगों के जायके की कलियों को तरसाती है। जैसे जैसे बारिश से भीगी सड़कें मुँह से पानी भरने वाली खुशबू के साथ जिंदा हो जाती है, शहर के स्ट्रीट फूड फ्रोश मौसमी चैलेंजों के मुताबिक ढलते हैं। बारिश के मुवाफिक पकवान पेश करते हैं जो हर किसी की भूख को मिटा देते हैं। बारिश के लिए मौजू तरीन पकवानों में मिर्ची भजिए शामिल है, जो कि चने के आटे से बनाए जाते हैं, जिसको गहरी तेल में तले जाते हैं। मिर्चियों का एक शानदार हरी मिर्च का ये एक शानदार पकवान है। हल्की बारिश के साथ गर्म और मसालेदार मिर्ची भजिए खाना जन्नत में बनाया गया जैसा लगता है। एक और पसंदीदा गरम समोसे है। बारिश इन गरम लज्जतों की कशिश को बढ़ा देती है, उन्हें एक सुकून बख्श लज्जत बनाती है जो किसी भी नमी को पिघला देती है। जब बारिश बरसती है तो पकोड़े भी मरकज में आते हैं। बारिश के दिनों में रूह को गर्माने के लिए गरम चाय एक बेहतरीन मशरूब बन जाती है। बारिश के बावजूद मुकामी लोगों में स्ट्रीट फूड का जोश बरकरार है। छतरियों से लेस हैदराबादियों को बूंदा बांदी में एतमाद के साथ टहलते हुए देखा जा सकता है। जब वो खाने की एक टोकरी से दूसरी तरफ जाते हैं तो हर एक काट का मजा लेते हैं। खाने के एक मुकामी शौकीन जब वो खाने की एक बंडी से दूसरी तरफ जाते हैं तो वो हर एक काट का मजा लेते हैं। दलित को 10 लाख और मुसलमानों को 1 लाख रुपए खर्च। सचर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक दलितों से अबतर हालात में जिंदगी गुजारने वाली मुस्लिम कौम की हालत क्या 1 लाख रुपए से बेहतर हो जाएगी। रियासती हुकूमत की जानिब से दलितों को 10 लाख रुपए फी खानदान अदा किए जा रहे हैं, ताकि दलितों की गुर्बत व पसमानदगी को दूर किया जाए। लेकिन सचर कमेटी के मुताबिक मुल्क में मुसलमान दलितों से ज्यादा पसमानदा जिंदगी गुजार रहे हैं और हुकूमत तेलंगाना 10,000 मुस्लिम खानदानों को 1 लाख रुपए की रकम जारी करते हुए उनकी पसमानदगी को दूर करने की बात कर रही है। और चीफ मिनिस्टर केसीआर ने जब ये फैसला किया और इस सिलसिले में अहकाम की अजराई अमल में लाई गई, तो बीआरएस के रियासती वुजरा और मुस्लिम कायदीन ने केसीआर के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाना शुरू कर दिया और ये कहा जा रहा है कि केसीआर से बड़ा अखिलतों का हमदर्द कोई और नहीं है। रियासती तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से दलितों को उनकी पसमानदगी दूर करने के ये फी खानदान 10 लाख रुपए की इजराई के लिए हर असेंबली हलके से 100 खानदानों का इंतखाब अमल में लाया गया और तेलंगाना के 119 हलके जात असेंबली में 11,900 खानदानों को फी खानदान 10 लाख रुपए की इजराई अमल में लाई जा चुकी है, जबकि 100 खानदानों का इंतखाब अमल में लाया गया और तेलंगाना के 119 हलके जात असेंबली में 11,900 खानदानों को फी खानदान 10 लाख रुपए की इजराई अमल में लाई जा चुकी है, जबकि मुसलमानों के लिए जो स्कीम का आगाज किया गया है वो 1 लाख रुपए की स्कीम है और उसके लिए भी महज चंद हजार दरखास्तों की यकसोई अमल में लाने के इकदामात किए जा रहे हैं। इटली से अमेरिका जाने वाले तैयारे को पहुंचा नुकसान, रोम में इमरजेंसी लैंडिंग। इटली के शहर मेलान से न्यूयॉर्क यानी अमेरिका जाने वाले तैयारे को शदीद नुकसान पहुंचा और तैयारे ने रोम में इमरजेंसी लैंडिंग की। डेल्टा एयरलाइन के परवाज नंबर 185 ने 215 मुसाफिरों के साथ मेलान से उड़ान भरी थी। उस वक्त मौसम साजगार था, लेकिन सफर शुरू होने के 15 मिनट बाद ये शदीद झालाबारी और गरज चमक के तूफान की लपेट में आ गया, जिसकी वजह से तैयारे के सामने के हिस्से और दीगर हिस्सों को शदीद नुकसान पहुंचा। सूरत हाल को देखते हुए पायलट के लिए तैयारे को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और तैयारे ने रोम में इमरजेंसी लैंडिंग की।
करीमनगर का नौजवान पेद्दापल्ली जिला के आबशार में गिरकर हुआ हलाक। तेलंगाना के जिला पेद्दापल्ली में वाकई गोरी गुंटाला आबशार में गिरने से एक नौजवान की मौत हो गई है। करीमनगर के किसानगर से ताल्लुक रखने वाला मानुपति वेंकटेश चहारशुम्बे के रोज अपने दोस्तों के साथ मिलकर तफरी मनाने आबशार गया था, जहां उसकी हादसाती तौर पर आबशार में गिरने से मौत हो गई है। दो और लापता बताए जा रहे हैं। आबशार में पानी का बहाव ज्यादा है। मुकामी अफराद की इतला पर बनस्त नगर पुलिस हादसे के मुकाम पर पहुंचकर माहिर तैराकों की मदद से नाश को बाहर निकाल लिया गया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए पेद्दापल्ली जिला हॉस्पिटल भी मुंतकिल कर दिया गया। करीमनगर में मणिपुर तशद्दुद के खिलाफ जमात इस्लामी हिंद का एहतजाज, मुस्लिमीन को इंसाफ और कातियों को सख्त सजा देने का मुतालबा। करीमनगर में मणिपुर तशद्दुद के खिलाफ जमात इस्लामी हिंद करीमनगर के जेर एहतमाम तेलंगाना चौक पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुस्लिम, ईसाई, सिख, दलित और शुद्ध भावना फोरम के कायदीन मणिपुर में खवातीन को तशद्दुद और हवस का निशाना बनाने पर सख्त बरहमी, गम व गुस्से का इजहार करते हुए सख्त मजम्मत की। इस मौके पर नाजिम जिला व दीगर भी मौजूद थे। वाकये के उसी दिन के बाद भी खातियों को कोई सजा ना हो सकी, ये बड़े अफसोस की बात है। उन लोगों का कहना है कि हम रियासत मणिपुर और मरकजी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अमन की फिजा को फौरी बहाल करें, मुस्लिमीन को इंसाफ और खातियों को कैफर किरदार तक पहुँचाए। बॉलीवुड अदाकारा अमीषा पटेल को 500 रुपए का हुआ जुर्माना। बॉलीवुड अदाकारा अमीषा पटेल को रांची की एक अदालत ने जुर्माना आयद किया है। अदाकारा को 500 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। अमीषा के खिलाफ चेक बाउंस और फ्रॉड केस में समाज के दौरान जुराह के लिए चहारशुम्बे की तारीख मुकर्रर की गई थी। मुकदमा दर्ज कराने वाले अजय सिंह की जानिब से अदालत में एक गवाह पेश किया गया। अदालत ने अमीषा पटेल के वकील से गवाह के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने उसके लिए तलब किया। उसके बाद अदालत ने उन पर जुर्माना आयद करते हुए समाअत की अगली तारीख 7 अगस्त मुकर्रर कर दी है। वाज़ेह रहे कि फिल्म अदाकारा अमीषा पटेल ने गुज़िश्ता 17 जून को रांची सिविल कोर्ट में खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर दी थी। खुद सुपुर्दगी के बाद अदालत ने उन्हें 10,000 रुपए के दो जमानती मछलिकों पर जमानत दी थी। प्रियंका गांधी के 30 जुलाई के जलसे आम की तैयारियां उरूज पर। जनरल सेक्रेटरी AICC प्रियंका गांधी के 30 जुलाई को महबूब नगर के कोलापुर में जलसे आम की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। नायब सदर प्रदेश कांग्रेस डॉक्टर मोलुरुवी ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि खम्मम की तरह कोल्हापुर में तारीखी जलसे आम होगा। प्रियंका गांधी जलसे आम में वुमेन्स डिक्लेरेशन जारी करेगी, जिसके तहत कांग्रेस बरसर इख्तदार आने पर खवातीन की तरक्की और भलाई के वादों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि मुतहिदा महबूब नगर जिला के कायदीन को जलसे आम की जिम्मेदारियां दी गई है। जलसे आम में खवातीन की बड़ी पैमाने पर शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। ग्रुप वन के नतीजे जारी ना करने हाई कोर्ट ने दी हिदायत। तेलंगाना हाई कोर्ट ने ग्रुप वन इम्तिहानात के नतीजे पीर तक जारी ना करने पब्लिक सर्विस कमीशन को हिदायत दी है। ग्रुप वन इम्तिहानात के उम्मीदवारों के अलावा कांग्रेस के तलबा तंजीम NSUI की जानिब से हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए ग्रुप वन इम्तिहानात को कलादम करने की अपील की है। दरख्वास्त गुजारों ने शिकायत की कि ग्रुप वन इम्तिहानात में बायोमेट्रिक सिस्टम पर अमल नहीं किया गया। समाज के दौरान आज अदालत को बताया गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप वन इम्तिहानात के नतायज जल्द जारी करने की तैयारी कर रहा है। नतायज की इजराई पर हुकूमत्तवा जारी करने की अपील की गई। ये थी 26 जुलाई की टॉप न्यूज। TVN99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।